गुड मॉर्निंग क्लास 5th स्टूडेंट्स, आप इस बिल बुक को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बिल बना हुआ है आपका, ये ओके देख लिया आपके बुक में बना हुआ, ध्यान से देख लेना। ऐसा ही आपने 3 बिल तैयार करने हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में, नाम बिल्कुल सेम लिखना ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने बिल ये बनाने कैसे हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ए मैन परचेज 4 शर्ट्स, तो क्वांटिटी के नीचे क्या लिखना है आपने, 4। कितनी क्या खरीदी, देखो नेम ऑफ द आइटम क्या खरीदी, शर्ट्स, कितनी खरीदी, 4। अच्छा जी, और रेट ऑफ 1200 पर शर्ट, एक शर्ट के यहाँ पर आपने रेट लिखनी है। एक शर्ट जब 1200 की होगी तो 4 शर्ट आपकी होगी 4800 की, ओके। और इसी प्रकार से आपने अगले जो आइटम है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द आइटम पे लिखना है, क्वांटिटी कितने हैं, हैंडकरचीफ 6 हैं, एक 24 रुपये का है तो 6 कितने हो गए, 144 की। इस प्रकार से आपने उन सभी को ऐड करते जाना है। बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यह आएगी, जो ये 5% GST लिखा हुआ है इसको हम कैसे ऐड करेंगे। अब देखो, जैसे कोई भी नंबर है, मैं लिया यहाँ पर आपका जो टोटल है ये आ गया 500 रुपीज़, ठीक है। और इसके ऊपर आपने जितने ने बोल रखा है, मान लिया 15% बोल रखा है, तो 15% आपने GST लगानी है, ओके। और जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100, ओके। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये 0 कट और इसे ये 2 0, 15 × 75, तो आपके हो गए 500 रुपीज़ प्लस 575 रुपीज़, ओके। तो इस प्रकार से आपने देखते जाना है। अब मान लिया हम ये देख लें कि हमारा ये आंसर सही है, इसका 15% 75 आता है या नहीं आता है, तो उसी चीज़ को हम, ये 15% है ठीक है, और मान लिया हम इसका 50% निकाल ले, वो तो हमें पता ही है कितना होता है, तो हम 500 का 50% निकाल लेते हैं, बटे में क्या आएगा आपका 100, तो ये 20 से 20 कट जाएंगी, 5 × 5 = 25, यानी ये हमारा सही है ठीक है भाई। 500 का 50% 250 होता है ना, तो 250 हमारा आंसर आ गया, तो हमारा ये तरीका सही है। इस प्रकार से आप टोटल के ऊपर जितना उन्होंने GST बोल रखा है, इसमें 15% GST बोल रहा है, इसमें आपका 5% GST है, इसका आपका 3% GST है, इसी प्रकार से आप इनटू में मल्टीप्लाई दिस नंबर एंड डिवाइड बाय 100, इस प्रकार से आप उनका टोटल बिल बना करके यहाँ पर आप यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है और यहाँ पर डिजिट में, और इस प्रकार से स्टैम्प सिग्नेचर लिख के ये अपने बिल तैयार करना है, ओके। ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सम में आपको अपने बिल तैयार करना है। 4 सम आपका क्या है, एक कॉम्बो ऑफ पॉपकॉर्न एंड एक कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक और एक पॉपकॉर्न, दोनों कितने रुपए के मिलते हैं, 200 रुपए के, लेकिन ये नहीं पता है कौन कितने का है। एक सिनेमा हॉल के अंदर ए पिज्ज़ा इज फॉर 675, इस प्रकार से एक पिज्ज़ा का ये प्राइस है और कॉम्बो पैक 200 रुपए का ये है। 5 फ्रेंड्स बाय वन ऑफ ईच ऑफ बोथ, 5 जो दोस्त थे उन्होंने इन दोनों को खरीद लिया, इसको भी और इसको भी, फ्रेंड्स बाय वन ईच ऑफ बोथ, इन दोनों को एक एक करके सभी फ्रेंड्स ने खरीद लिया, तो हाउ मच हैव दे स्पेंट, वो कितने ज़्यादा कितने पैसे को वो देंगे, कितने पैसे उनको देने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है 5 मित्रों ने अलग अलग इन चीज़ को खरीदा है, तो जब एक एक लड़के का खर्चा कितना होता है, 200 ये और 675 ये, तो 875, तो 5 कितना खर्चा करेंगे, तो 875 इंटू 5 जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने लिखना है, ओके। सेकंड फिफ्थ सम क्या कहता है, ए बॉय बाइज 8 समोसाज ₹10 ऑफ ईच, 8 समोसे खरीदे लेकिन 10 रुपये का एक है, तो आप बता सकते हो कितने पैसे उन्होंने खर्च किए। उसके बाद में 6 ब्रेड पकौड़र्स एट ₹18 ईच,
से उसने ब्रेड पकौड़े खरीदे लेकिन वो 18 रुपये का एक है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। एंड 12 रसगुल्लास एट 20 रुपीज़ ईच, और 20 रसगुल्ले खरीदे जो 20 रुपये का एक है, वो भी आप बता सकते हो मल्टीप्लाई करके। वट इज़ द टोटल मनी ही हैज़ टू पे ऑफ ऑल दिस, इन कितने पैसे उनको देने पड़ेंगे अगर कंडीशन लगाई है। हाउ मच मनी ही विल गेट बैक इफ ही गिव्स 500 रुपीज़ नोट, अगर 500 रुपये का नोट उसने दिया है तो कितने रुपये वापस लेगा। तो सिंपल से बता सकते हो, यहाँ से 80 रुपये उसके, और 18 सिक्के 108, यहाँ से 12 और 20 यानी 240 रुपीज़ के, इन सभी को ऐड करोगे और उसको 500 में से माइनस कर दोगे तो तब आपके कितने पैसे बचेंगे वो पता चल जाएगा। ओके, उसी प्रकार से आपका सिक्स सम, डोरजी बॉयज 5 पैकेट्स ऑफ फ्रेंड्स फायर्स एट 5.50 पर पैकेट्स, एक पैकेट 50 रुपये का है और कितने पैकेट खरीदे हैं 5 पैकेट्स, तो बता सकते हो आराम से 250 रुपीज़ एंड 5, उसने उसके बाद में 5 ब्रोवाइंस एट 25 रुपीज़ पर पीस, उसने 25 जो पर पीस थी 5 ब्रोवाइंस भी खरीदी, तो 25 की 5 के साथ भी आराम से बता सकते हो। और इन उसके बाद में इफ ही गिव्स 2000 ऑफ द शॉप ऑफ द ओनर, एक 2000 रुपये का नोट उसने ओनर को दिया है तो कितने रुपए वो वापिस लेगा, आराम से बता सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है, फिर इन दोनों का ऐड करने के बाद 2000 में से माइनस करोगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। और वैसे जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप शॉप पे जा कर के समझ मतलब आराम से समझ सकते हो। ओके, आप इन इन सभी क्वेश्चनों को क्वेश्चन ना समझें, इनको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें, जो भी नाम लिखा हुआ है वो नाम तुम्हारा है। ओके, और ऐसे ही तुम शॉप पर जाते हो, ये सामान खरीदते हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, इनको क्वेश्चन ना समझ के अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो आपका आंसर बहुत ही जल्द निकल जाएगा। इस प्रकार से आपने प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की और नोट डाउन करना है अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू।